ये देखो, ये व्यू छिबरा मुँह आलू मंडी का। आप लोग देखोगे छिबरा मुँह आलू मंडी, ये देखो छिबरा मुँह आलू मंडी है। ये यहाँ पे कितना आमदनी है वो आपको सामने दिखाई दे रही है। यही आमदनी है, बाद बाकी आमदनी नहीं आपको देखने को मिलेगी मंडी में। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। और आमदनी मतलब पूरी मंडी में यहाँ पे इतनी आमदनी है बादा की, पूरी मंडी में और भी चार पांच ट्रालियाँ इधर उधर हैं, बादा की पूरी मंडी में यहीं पे बिक्री हो रही है। इधर देखो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। कितने पे भाई लिख दिए यार, यहीं पे बिक्री हो रही है। और यहाँ पे आमतौर पे आलू जो है ना, कोई आलू जो है 440 में, कोई 430 में, कोई 400 में, और कोई 470 में। इस तरीके से आलू की बिक्री जो है बराबर कंटिन्यू चल रही है। जय जवान जय किसान, नमस्कार दुआ सलाम, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज दिनांक 6 मई 2023 है और इस समय हम आ चुके हैं आलू मंडी छिबरा मऊ में। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आज छिबरा मऊ की मंडी में आलू का क्या भाव है। देखिए कुछ लोग ये पूछ रहे थे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर वाले आलू का भाव क्या है। लगभग सभी जगह के इक्का दुक्का कोल्ड स्टोर जो हैं, इक्का दुक्का लॉट कोल्ड स्टोर से निकलना शुरू हो चुकी है। और कोल्ड स्टोर में आज हमने पता किया था रसीद कोल्ड स्टोर से, आलू का जो भाव है लाल आलू वहाँ पर 400 रुपये प्रति कट्टा किसान का दाम, और न्यू हाईलैंड आलू जो था आपका 450 रुपये प्रति कट्टा किसान का दाम। कोल्ड स्टोर भाड़ा जो है 130 रुपये आपको इसमें और प्लस करने होंगे। इस तरीके से आलू की बिक्री हो रही है। और भाई अगर सफ़ेद आलू बिकेगा तो भाई 400 के आसपास सफ़ेद आलू कोल्ड स्टोर वाला बिक्री होगा सफ़ेद। अब बात करें छिबरा मऊ मंडी की, तो छिबरा मऊ मंडी में आमदनी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मोटर की है। तो आइए जानते हैं आलू के भाव क्या हैं। उससे पहले आप लोग सभी भाइयों को बता दें कि अभी क्या है, मंडी में आमदनी बहुत ज़्यादा कम हो रही है और कुछ लोग इस पर भी बातचीत कर रहे थे कि जैसे जैसे आमदनी कम होगी आलू का भाव बढ़ेगा, 600 या 700 या 800 या 900 रुपये भी हो सकता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि देखो भाई, अगर आमदनी घटेगी और कोल्ड स्टोर में किसान बिक्री के लिए नहीं पहुंचेंगे तो आलू का भाव बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अभी हमारे साथ आलू आरती भूदेव कुमार गुप्ता जी हैं। क्या पोजीशन है आज मंडी का? एक नंबर का आलू 450 रुपये, एक नंबर का बढ़िया टॉप सफेद आलू जो है 450 रुपये प्रति कट्टा। कोई वजन वजन है ऐसे ही? 53 किलो। वजन 53 किलो चाहिए होता है। अच्छा, अभी आमदनी कितनी है मंडी में? आमदनी होगी 10 मोटर। 10 मोटर की आमदनी होगी लगभग? 10 की हमें नहीं लग रहा, मतलब 6-7 मोटर की लग रही है पूरी मंडी में, मतलब। अच्छा शाम तक, हाँ 10 मोटर हो जाएगी, ये बात आपकी मानते हैं। अच्छा आपने सुपर माल बता दिया है कि 450 रुपये में आप मतलब बिक्री करवा रहे हो। अच्छा निवल क्वालिटी का होगा, थोड़ा हल्का चेचक होगा। 350 रुपये से लेके और 450 रुपये तक बिका आलू। 350 रुपये से लेके 450 रुपये प्रति कट्टा सफेद। अच्छा लाल वाला बताओ थोड़ा। लाल वाले की कंडीशन ये भैया, बिका देखो 250 रुपये। देखो ये बहुत मतलब कि निबल क्वालिटी का माल है, छोटा मतलब मटीला टाइप का है, और ये 250 रुपये में बता रहे हैं, ठीक है। और इधर वाला जो पड़ा हुआ है लाल, ये बिक्री हो गया? किसका है ये? देखो ना, ये 350 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ लाल वाला, 350 बता रहे वो। तो अभी आपके हिसाब से आमदनी कितनी है? आमदनी 7-8 मोटर की है, शाम तक 10 मोटर हो जाएगी। अच्छा जैसा कि अभी बता रहे थे कि अभी जो है मंडी में थोड़ा बोटिंग वोटिंग का काम चलेगा, तो मंडी कब से बंद रहेगी? 11 तारीख से 13 तारीख मंडी बंद रहेगी। 11 तारीख से लेके 13 तारीख तक बंद रहेगी। अच्छा क्या उसके बाद भी फिर आलू आएंगे या नहीं? आधी है। हाँ। अच्छा, ये आलू मतलब ऐसे कब तक और आते रहेंगे? अभी
15 रोज तक इसी दिल्ली मतलब चलते रहेंगे आलू है, तो भाव थोड़ा घटने बढ़ने की उम्मीद है या नहीं कुछ? अब जो स्टोर खुल जाएगा तो ये घट जाएगा। अब कोई कह रहा स्टोर जब खुलेंगे तो भाड़ा प्लस होके बिक्री होगा तो भाव तो बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अच्छा, हाईएस्ट भाव समझो, ये मतलब 4.5 रुपए हाईएस्ट, 400 रुपए बिक रहा है स्टोर का, 400 रुपए बिक रहा है। खुल गए स्टोर? हाँ स्टोर खुल गए। अच्छा अच्छा, करना इधर पर ट्राई लगवा अपने। कोई किसान भी आप लोग कहाँ से हैं? बेगाँव से, धमपुरा से आए हो आप लोग? आपके क्षेत्र में बताओ भैया अभी कितना माल और बता दो कि हम देख तो आए हैं लेकिन कितना और? 30% होगा। 30% 30 नहीं होगा यार भैया, आप तो 2-4% है केवल, बस 10 भी नहीं मानते, 2-4% आंखों से मैंने देखा, वहाँ पे जा जाके कहीं नहीं बचाए, जहाँ जहाँ ढेर लगे सब जगह खाली पड़ी है। हाँ हाँ, बगिया हम जितने लगे वो टोटल देखे हमने, लगभग 4-5% है माल अभी। भैया ये आलू जो है यहाँ पे, ये आलू अभी इसका जो है व्यापारी भाई इसको देख गए थे, और ये आलू जो है ना मतलब कि साइज का थोड़ा अच्छा है और बढ़िया आलू लग रहा है देखने में, मतलब थोड़ा ये जंगीला टाइप का है, देखो ये जंग लगी हुई है और किले टाइप के निकले हुए हैं। ये आलू यहाँ पे व्यापारी भाई इसको 380 रुपये कट्टा के हिसाब से खरीद कर चले गए, लेकिन यहाँ पे आरती भाई का मानना ये है, अगर किसान भाई इनको मना करते हैं ना कि भैया मेरे को 380 में नहीं देना है तो ये अभी रोक भी जाएगा। इस आलू का मतलब कि आप कीमत मान सकते हो 380 रुपये, 380 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से ये वाला आलू बिका है। ठीक है, देख लो, देखो यहाँ पे आलू की बिक्री वगैरह हो रही थी, अब क्या है कि इधर एक लाट कटी पड़ी है जो कि भरी जा रही है, ये भी शायद आलू बिक गया है तभी तो भरा जा रहा है, और अब तो ये देखना पड़ता है कौन सा आलू बिक गया है, कहाँ पे भरा जा रहा है, क्योंकि इस समय सबसे पहली बात तो आमदनी नहीं हो रही है, दूसरी बात बड़ी मुश्किल से आलू आ रहा है, बेचता तो तुरंत है, आई आलू नहीं रहा बिक के कहाँ थे, फिर अच्छा निवल क्वालिटी माल आ रहा है टोटल। ये आलू देख रहे हो, ये इसमें जो है ना मतलब आपको इसका कलर भी पसंद नहीं आएगा, इस टाइप का थोड़ा आलू है ये। ये आलू आपका 325 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो चुका है। कितने कट्टे थे ये? 26 कट्टे थे। आप कह दादा कहाँ से आते हो? गोरखपुर। ये कहाँ है? पास है। अच्छा, सौरी के पास भी गोरखपुर है भाई, तो हम भी गोरखपुर से आलू आ गया भाई। तो दादा क्या रेट बिका आपका आलू? 325। ये आलू 325 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से दद्दा ने बिक्री कर दिया है। दद्दा और आलू बचा आपके यहाँ पे? और आलू बचा अभी? अभी मेरे गांव के पास है। वही गांव के पास और है? कितना होगा अभी? 2.5 पैकेट। अच्छा, 2.5 पैकेट कुछ मायने नहीं रखते है, मतलब खत्म हो गया ना। ठीक है, ये देखो 325 वाला कम वाला। अब देख लेते हैं इधर क्या सीन है, इधर तो बहुत ज़्यादा ट्रालियाँ लगी हैं, मतलब 5-6 मोटर का आमदनी है, लेकिन हमें लग रहा है आराम से 4 मोटर तो यहीं है। देख लो कितनी गाड़ियाँ लगी हैं।